भाई देख लो, आजा आजा एक एक देख के हटते जाओ ना। हाँ हाँ सही बात, एक साथ में हो नहीं पाएगा, सर वन बाय वन देखिए आप सब एक एक देख के हटते जाओ, एक साथ में नहीं होगा सर। एक ही वाइट दे दो, सबसे पहले तिवाना भाई देंगे। अरे उस्मान भाई आप दोगे पहले, आपको देना चाहिए। एक एक करके आ जाओ ना, एक एक करके आ जाओ, एक एक करके आ जाओ जी। उस्मान भाई आज इफ्तार पार्टी, आप क्या कहेंगे और किस लिए आपने इफ्तार पार्टी रखी है? समाज सेवा के साथ साथ एक और वर्क काम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा सिर्फ मैसेज देने का था प्रोग्राम। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्रन है, कोई यूपी का है, कोई पठान है, यहाँ की जो इकोनॉमी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं जिनको मैंने इनवाइट किया, और ये सब मेरे लगते जीजर और अजीज दोस्तों में से हैं। तो मेरा ये मानना था कि आज लास्ट रोज़ा है, उस लास्ट रोजे पे मेरा ये समझना था कि मैं अपने सारे दोस्तों को इफ्तार पार्टी पे बुलाऊं। सो मैंने बुलाया और मेरी मोहब्बत में दूर दूर से सारे लोग आए। मुझे बेहद इस बात की खुशी है, इसी बात पे मैं जो 313 को सपोर्ट करता हूँ, जो मेरी एनजीओ है समाज सेवक, 313 का मतलब यही है कि लोगों के लिए खादिम बने, लोगों के बेबस मजबूरों के मददगार बने, प्यासों को पानी पिलाएं, भूखों को खाना खिलाएं, 313 का ये मतलब है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब लोग मिलके ये काम करते हैं, इसलिए इन सबको मैंने स्पेशली बुलाया था और इफ्तार पार्टी रखी थी। इसी के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा और इन सब लोग का धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये जितने भी लोग आए हैं मेरे अजीज दोस्तों में से, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को भाई। इफ्तार पार्टी का समाज सेवा से क्या रिलेशन रहा है और किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? मैं इस तरीके से देखता हूँ कि हम सब आदम हुआ की औलाद हैं, और जब आदम हुआ की औलाद है तो हमें फिक्र पस्ती में जो बांटा जाता है वो फिक्र पस्ती यहाँ दुनिया भी बना हुई है, मगर हम आदम हुआ की औलाद हैं और हम एक इंसानियत के तौर पे किसी का भी फेस्टिवल हो हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हिंदू हैं हम मुसलमान के घर क्यों जाएं, हम क्रिश्चियन हैं हम हिंदू के घर क्यों जाएं। तो वो मेरे दोस्तों में है और वो मेरे अंदर है, तो ये समाज सेवा का जो एक स्तंभ है इसी बेस पे मैं सबको जोड़े चलता हूँ। बस मेरा यही है, नेकी कर दरिया में डाल और चलता हूँ। देश को क्या मैसेज दे रहे हैं? देश को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आजकल जो चल रहा है वो बंद करें, और ख़ास करके उन लोगों से जो चंद सिक्कों के खातिर दलित लोगों का, बेबस लोगों का, मजबूर लोगों का जो खून बहा रहे हैं ये बंद कर दें। आज नहीं तो कल ऊपर वाले की लाठी में ऐसी आवाज़ होती है कि उठने का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज़ सुधर जाइए मेरे भाई, हम सब इंसान हैं, इंसानियत बरते, छोटे बड़े का कोई फ़र्क ना करें, सबको एक जैसा समझें और उनको अपना भाई समझें। जितने भी लोग हैं समाज में सब हमारे अपने हैं, किसी को ऐसा गैर ना समझें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और देश के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी जो इंडिया टीम हारी है तो ये हमारी हार नहीं है, हारने के बाद ही जीते। हमारे जितने भी देशवासी है और हमारे जितने भी इंडियन की प्लेयर है वो हमारी वन आर आर्मी है, उनको कोई सैड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन पर फख्र करता हूँ, उन्होंने हर टाइम जिताया है, और एक टाइम जो होता है अगर कोई मिस हो जाते हैं तो इसमें कोई हार नहीं है। मैं गर्व करता हूँ, हारने के बाद भी हम जीते हुए हैं, हमें फख्र है हमारी टीम पर। शुक्रिया। आइए, नाम तेजिंदर सिंह तिवाना है, मैं भारतीय, मेरा नाम तेजिंदर सतनाम सिंह तिवाना है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सबसे पहले तो रमज़ान के इस पाक महीने में मैं सारे मुस्लिम भाई और बहनों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारे गनी भाई तो सोशल वर्कर है ही, बहुत अच्छे, लेकिन आज मैंने ये महसूस किया है कि उन्होंने एक ऐसी मिसाल रखी है भाईचारे की कि यहाँ पे जितने मुस्लिम समाज के मेरे भाई थे उतने ही हिंदू समाज के मेरे भाई मौजूद थे। तो मैं उनका मुबारकबाद और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह का मिसाल हर साल रखे, और इफ्तार पार्टी में जो हमें बुलाकर मान सम्मान दिया इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। और इस भाईचारे की जो मिसाल ये कायम रखे और हर साल हमें बुलाए और हम आएंगे, और इसी तरह इफ्तार पार्टी और ईद की जो एडवांस में मुबारकबाद सबको देता हूँ।
बस धन्यवाद ये कहना चाहता हूँ सर। आप उस्मान हनी जी की इफ्तार पार्टी में आप आए, आपका नाम बताइए और क्या देश को मैसेज देंगे इस पार्टी में? मेरा नाम गौरंग नायक है, मैं गुजराती हूँ, मुंबई गुजराती सेल बीजेपी का, मैं पूरे मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गनी भाई ने मुझे बुलाया, बहुत मेहरबानी उनकी, अच्छा लगा, मोहब्बत है उनकी हमारे पे, अच्छा लगा कि उन्होंने देश के लिए अच्छा मैं बताया कि हम लोग हार के भी जीते हैं। और इन्होंने ये जो पार्टी रखी थी वो सारे हिंदू भी है, गुजराती भी है, पंजाबी भी है, मराठी भी है, तो ये एक मिला जुला होना चाहिए और ऐसे ही हम सब मिलजुल के आगे बढ़े। हमारा देश एक ही है, हम सब एक ही है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, हम सब एक साथ आगे बढ़ के मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो हम सब एक साथ में सबका साथ सबका विकास करें। ऐसे ही मिलजुल के हिंदू में जैसे गणपति में ये सब आते हैं, वैसे ही हम लोग इनकी ईद मुबारक एडवांस में और इनको मुबारक करके जाते हैं, मोदी जी का नारा लेके सबका साथ सबका विकास। थैंक यू सर। आप आइए सर, आप नाम बताइए अपना और क्या करेंगे आज की इफ्तार पार्टी है, उस्मान गनी जी ने दी है, तो किस तरह की आपकी विशेष होंगे और देश को क्या मैसेज? आइए सर। मेरा नाम दिनेश लाड़े, मैं एक्चुअली क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज उस्मान ने जो आज का जो इफ्तार पार्टी है बहुत ही खुश हूँ मैं, जिस तरह से उसने आज बता दिया कि हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, आज अलग नहीं, एक ही इंसान है। आपको पता नहीं होगा, उस्मान को पता है कि मेरे घर पे एक मुस्लिम बच्चा रहता, जो 6 साल मेरे घर पे था, मेरे घर पे नमाज पढ़ता था, मेरे घर पे गणपति पूजा भी करता था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो उस्मान ने आज जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है। मैं उस्मान को एक्चुअली मुझे यहाँ पर बुला के, मैं फर्स्ट टाइम इफ्तार पार्टी अटेंड कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया लगा, ऐसे इफ्तार पार्टी में हर वक्त अटेंड करूंगा उस्मान के लिए। थैंक यू वेरी मच। आइए सर, आइए। पहले नाम बताइए अपना और क्या आज क्या कहेंगे आज की इफ्तार पार्टी गणेश जी के बारे में और आपका क्या संदेश होगा और मैसेज होगा? सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब टाइप के लोग थे, गुजराती थे, पंजाबी थे, और देश के लिए कितना अच्छा ये जो वातावरण जो ये लोग रख रहे हैं, ये पूरे देश के लिए है कि भाई देखो हम लोग किस तरीके से मुंबई में आज हम लोग इस तरीके से जी रहे हैं, एक मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो थैंक यू गनी भाई, थैंक यू फॉर 313 और थैंक यू फॉर मीडिया, जो आप लोग ये अच्छी चीज़ को कवर करके लोगों तक के ये संदेश पहुँचा रहे हैं कि हम सब एक हैं। सर आपका नाम? तोफैल अंसारी। थैंक यू तोफैल अंसारी। भाई आइए आइए। मेरा नाम दिनेश सालवी, एक चारकोप विधानसभा का मंत्री का विभाग अध्यक्ष हूँ। इफ्तार पार्टी में आप आए हैं, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? पहले तो मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान की और आने वाली रमजान ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज रमजान का लास्ट रोजा है और रोजा के हिसाब से मेरे भाई गनी भाई, उस्मान गनी भाई ने अभी सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा करके एक इफ्तार पार्टी का अच्छा सा इंतजाम किया है। और मैं हर वक्त देखता हूँ ये जो गनी भाई जो 313 हो, ये मुस्लिम ही नहीं खाली हिंदू मुस्लिम दो भी हो, इनको सबको इकट्ठा लेके कोई भी अच्छा काम हो ये करते रहते हैं और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है और हमेशा रहेगी। इतना ही। थैंक यू। आप पहले बोलो, आप पहले बड़ा नहीं बोलो बिंदा कैथलिक है बट इफ्तार पार्टी बहुत अच्छा लगा, ये एक हिंदुस्तान में बहुत नहीं बाजू में आ गया ऐसे घूमो अपना नाम बोल के कैमरे के सामने देखो इधर ऐसे घूमो क्या हुआ सीधा देखो आगे आओ ना तुम कैमरे के सामने देख के अपना नाम बोल। मेरा नाम रिया है, इफ्तार पार्टी में फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इफ्तार पार्टी में आके, थैंक यू। आ
सबसे पहले मैं मीडिया का नाम शुक्रगुजार हूँ जो हम लोगों की आवाज़ हर जगह पहुँचाती है, और उसके बाद ये जो हमारे देश में आज से नहीं है, काफ़ी सालों से चल रहा है हिंदू मुसलमान का, आज उस्मान गनी ने जो काम किया है, मैं ये चाहती हूँ हर मुसलमान हर हिंदू अपने फेस्टिवल में सबको मिला के अगर चलेगा तो आज हर जगह ये जो झगड़े फसाद होते हैं कहीं नहीं होंगे, इंशाल्लाह नहीं होंगे। और 313 ग्रुप को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह हर रमज़ान में हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे, इसी तरह प्यार हमारा बढ़ता रहेगा। और उस्मान गनी को बस यही दिल से दुआ है कि मैं एक सिंगर हूँ और अमिता सिंह मेरा नाम है, उनके लिए एक लाइन है वो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले, ओ जाने वाले। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सबको ईद मुबारक हो, और अगले रमज़ान में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत क्या बात। आ जाओ, थैंक यू सो मच। इधर आ जाइए, साइड आ जाओ, एक मिनट ऐसे घूमो ना तुम, हाँ इधर देख के बोलो कैमरे। थैंक यू। मेरा नाम है मुस्कान, मैं इफ्तार जी को शुक्रिया करना चाहूँगी, उनकी पार्टी में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकिता जी दोनों साथ में आओ ना। नहीं नहीं, हिंदी में बोल। नहीं भाई, नहीं भाई, आप इधर आओ। नहीं भाई, नहीं आएंगे। हां भाई, कॉन्फिडेंस लेवल में चला है। हां भाई, कल्याण जी क्या कहोगे आप, आज आपने टोपी भी लगाई हुई है और दानिश भाई का मुस्लिम रंग रूप आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो क्या कहोगे आप दानिश भाई के बारे में। सबसे पहले मीडिया को नमस्कार, और मीडिया अगर ना होगा तो ये दुनिया में बहुत सारी चीज़ होगा नहीं, क्योंकि मीडिया ही है जो हर चीज़ को वो दिखाते हैं, और इसलिए सबसे पहले सैल्यूट करता मैं मीडिया को और उस्मान गनी को। उस्मान गनी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसा शख्स है, ऐसा एक नाम है, ये मैं चाहता हूँ पूरी देश में ऐसा कम से कम 1000 उस्मान गनी हो तो एक अच्छा काम होगा। उस्मान गनी समाज सेवक नहीं है, साथ साथ में एक मेरे बड़े भाई है। 313 एक NGO है जिसका वो प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट के साथ जो ऊपर होता है फाउंडर। मैं ना फाउंडर हूँ ना मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं एक खादिम हूँ। खादिम, मैं ये नजरिया रखता हूँ कि पोस्ट से काम नहीं होता है, किरदार से काम होता है। क्या बात है, बहुत तो अच्छे। मेरे साथ में अंकिता बम्बुलकर है, एक्ट्रेस। मेरे साथ में तहल भाई है, तुफैल भाई, बहुत अच्छे इंसान है। और सबसे पहले सभी को हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई को सभी को नमस्कार प्रणाम। और हिंदू मुसलमान लोग कहते हैं जो मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, मुसलमान ये है, अगर मुसलमान ना होगा तो ये हिंदुस्तान ना होगा। भाई साहब, जब ये देश स्वाधीन हुआ था तभी मुसलमान भी हकदार था, अगर मुसलमान ना होता तो ये देश स्वाधीन ना होता। कौन कहता है ये मुसलमान वो ऐसा है, आज रूम लेने वो जाते हैं बोलता है यहाँ पे आपको रूम नहीं मिलेगा, क्यों भाई, हम हिंदुस्तान में हैं, हम पाकिस्तान में नहीं। हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं सब एक नंबर है, और एक नंबर है बोल के हम हिंदुस्तान में हैं। पाकिस्तान के कुछ मुसलमान हैं जो यहाँ पे आके हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान का नाम खराब करते हैं। चंद पाकिस्तान। मैं एक हिंदू हूँ लेकिन आज देखो मैं टोपी पहना हूँ, क्यों, क्योंकि मैं हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सभी को मानता हूँ। उस्मान गनी मेरा भाई है, ऐसे अगर मुसलमान इस हिंदुस्तान में है तो कौन कहता है मुसलमान ये है मुसलमान वो है। जैसा हिंदुस्तान में हिंदुओं को जितना जगह मिलता है ऐसा मुसलमान को ही मिलना चाहिए, और मुसलमान मेरा भाई है। खाली मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तान का भाई है, वो हिंदुस्तान का बेटा है। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी को, जो सब मिलकर ये ईद बनाए, सब मिलके ये रमजान बनाए, क्योंकि रमजान खाली मुसलमान का नहीं है, सभी का है, हिंदुस्तान हर इंसान का है, हर व्यक्ति का है। और जितना भी त्यौहार है, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, किसी, सब साथ में बनाए, क्योंकि हम एकता है, और एकता है बोल के हम हिंदुस्तान में हैं।
इसलिए हम सभी को कहते हैं जो प्लीज नेता लोग, आप लोग ऐसे एकता बना के चले, भाग ना करें हिंदू ये मुसलमान को, ये हमारा भाई है, भाई बना के रहिए और इनको हम और एकता कीजिए। पाकिस्तान गद्दार है, उसको गद्दार रहने दो, उसको हमें क्या करना है उससे। पाकिस्तान कहते हैं बहुत सारी चीज़ करने दो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं वो मेरा भाई है और मेरा खून का वो रिश्ता है। और ये जिस जब तक उस्मान गनी जैसे इंसान रहेगा, कल्याण जी गरीब आदमी ऐसा इंसान रहेगा, जैसा मेरा भाई इंसान रहेगा, कोई भी इंसान मुसलमानों को हिंदुस्तान के अलग नहीं कर सकता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छे कल्याण जी, बहुत 3 मिनट का हो गया। आज क्या कहेंगे इफ्तार पार्टी में उस्मान गनी जी को और क्या मैसेज होगा? पहले मैं थैंक यू मीडिया और मैं उस्मान गनी जी को थैंक यू देना चाहूंगी, इन्होंने आज मुझे यहाँ पे बुलाया पार्टी में और हम सबको बहुत अच्छा लगा। और एक छोटा सा ये गेट टुगेदर था कि सारे कास्ट के, नॉट ओनली मुस्लिम, यहाँ पे सारे कास्ट के लोग एक साथ आए, एक साथ बैठकर उन्होंने इफ्तारी पार्टी को एंजॉय किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और अब मराठी में बोलूँगी मी मराठी मुर्गी असताना ही या पार्टीमध्ये आली, कारण नुसते मुस्लिमच नाही की असं लोकं म्हणतात की मुस्लिमच आहेत, मुस्लिमच्या पार्टीमध्ये जायचं नाही, असं नाही आहे। तर ही पार्टी फक्त एक इंसानियत के नाते मैं यहाँ पे आई हूँ, तो इसके लिए थैंक यू सो मच और मेरे तरफ से सभी को इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इफ्तार पार्टी में रखा है, आते साल इंशाल्लाह इससे बड़ा करे और अच्छा करे, अल्लाह पाक तीन सौ तरह बहुत तरक्की दे और आगे बढ़े और हमारे उस्मान भाई इस तरीके से सब लोगों को बुलाने की अच्छी अच्छी मतलब कोशिश करें और सारे लोगों को अपने पास जमा करें। हम सभी लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ में हमेशा है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। ये हमारे दानिश भाई है, मेरे सुख दुख के साथी है, माशाल्लाह बहुत अजीज दोस्तों में से हैं, ये चले गए थे मगर मैंने इनको इंशाल्लाह वापस बुलाया और मुझे बेहद खुशी है कि मेरे भाई मेरी बात रखते हैं और वापस आ जाते हैं। और इफ्तार पार्टी के लिए उन्होंने चार चांद लगा दिए, माशाल्लाह खुद एक पर्सनलिटीज है, खुद बड़ी एनजीओ चलाते हैं फाइट फॉर राइट्स, इसका मतलब है अपने हक के नहीं लड़ना। और मुझे बेहद खुशी है कि हर इंसान अपने हक के नहीं लड़े, उनमें से एक अपने दानिश भाई है। रेडी जी, अमर साहब आप नाम लीजिएगा। अच्छा, उसके मैं बाद अमर सिंह, ये हमारे छोटे भाई है उस्मान, उस्मान भाई मेरे, उस्मान गनी जी इफ्तार पार्टी पे हमें बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को हमारी तरफ से ईद की शुभकामनाएं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही, भाईचारा बनाए रखे, अफवाह पर विश्वास ना करे। ये हमारे अमर भाई है, भाई सुन लो हमारी भाई, हमारे तीन नाम जुड़ते हैं यहाँ पे इस एरिया में, मैं अकेला मुस्लिम हूँ मगर इंशाल्लाह यहाँ पे एक एक चीज़ है जिसका नाम अकबर एम थोनी। अमर अकबर एम थोनी, अब मैं बताता हूँ, अमर अकबर और मेरा क्या है, एम थोनी इधर सनी, ये रहा भाई इधर इधर आ जा। ऐसे हमारे हर त्यौहार में दिवाली में उस्मान जी हमारे घर पे एकदम परिवार जैसे आते आते। ये हमारे अमर अकबर एंथोनी, मतलब इस कैथलिक राजपूत ठाकुर, क्या बात है, अमर अकबर एंथोनी कुछ में जो भी भाई के साथ में हमेशा दिल से हाँ जी। बोलिए साहब, ये आप इफ्तार पार्टी में आए, इफ्तार पार्टी में आए, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे जो भाई हैं इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत जल्द मेरे ख्याल से ईद भी आने वाली है, तो अभी ईद मुबारक, हाँ सभी को मेरे भाइयों को ईद मुबारक। और मेरे भाई ने मुझे कहा कि आपको आना है और मैं मेरा शो खत्म करके मैंने कहा था कि भाई को मैं ज़रूर आऊँगा, बस ये अल्लाह ने मुझे बुला लिया। कॉमेडी ये है कि आज का 24 तारीख है और 24 तारीख के बाद दूसरा दिन लगता है 25 तारीख, तो 25 तारीख यानी मेरा जन्मदिन है, 25 तारीख का मेरा जन्मदिन है, तो मैंने मेरे दोस्तों को प्लेटफॉर्म पे बुला लिया, मैंने मेरे दोस्तों को आ जा यार बोला प्लेटफॉर्म पे आ जा, तो प्लेटफॉर्म पे बुला लिया, बोले प्लेटफॉर्म पे क्यों बुलाया, बोला यार आज मेरा बर्थडे है, तो बोला तुम लोग हमेशा कहते हो कि मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए तो आज मेरा बर्थडे है, ले लो प्लेटफॉर्म। वाह वाह, और क्या कहो।